अस्सलामुअलैकुम। आज के स्केचअप के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे सेक्शन प्लान के बारे में। सबसे पहले हमने स्केचअप ओपन कर लिया और हम आ जाते हैं टूल्स में। टूल्स में आकर सेक्शन प्लान ये हमारे पास है और इसको हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने इसको क्लिक किया तो प्लेस सेक्शन प्लान, इसमें सिंबल्स वन आ रहा है। हम इसको प्लेस किया तो ये देखें, जैसे कि हम यहाँ पर हमारा ब्लू एक्सिस में है, ये स्नैप कर रहा है, और यहाँ पर ग्रीन में है और यहाँ पर रेड में है। तो सबसे पहले यह है कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उसको जब हमें डिटेल में देखना होता है तो सेक्शन प्लेन के जरिए हम देखते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अभी हमने इसको हम ब्लू एक्सिस में यहाँ पर हमने रखा और इसको हमने माउस से लेफ्ट क्लिक किया, और जैसे हम ये लेफ्ट क्लिक करेंगे ये देखें, ये पूरा हमारे पास सेक्शन प्लेन आ गया। इसने 3D ऑब्जेक्ट को क्या किया कि इसने 3D ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ही प्लेन करके हम दिखा दिया है। अब इसमें क्या होता है कि अब हमने क्या करना है, हमने मूव टूल पे जाना है। हम मूव टूल में आ गए और इसको हम ऊपर की तरफ लेके आ सकते हैं और इसको नीचे की तरफ भी लेके आ सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। और जैसे हम इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ये देखिए जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है वो भी ऊपर की तरफ उसके साथ मूव होगा और ये हमें डिफरेंट एंगल से दिखा भी देगा। इसका इंटीरियर भी हमें सारा शो हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। इसने जो उसकी छत है, जो इस मॉडल की छत है, जो इस रूम की, उसने उसको वहां से कट कर दिया है और ये इंटीरियर भी दिखा रहा है और एक्सटीरियर भी दिखा रहा है। अगर जब हम 3D ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि हम इसका रेंडर लेना है, तो हम सिंपल कैमरा में आके, स्टैंडर्ड व्यू में आके, हम इसका टॉप अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास टॉप आ गया। और इसी तरह हम पैरेलल प्रोजेक्शन जो है अगर इसको ऑन कर देते हैं तो ये देखें हमारे पास व्यू आ गया। और हम चाहते हैं कि हम इसका फ्रंट ले ले या बैक ले, कोई भी व्यू है हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसका फ्रंट करते हैं तो ये हमारे पास इसका फ्रंट आ गया। अब इसकी पैरेलल प्रोजेक्शन ऑन है, हम सिंपल कैमरा में जाकर इसको ऑफ कर देते हैं, ये देखिए हमारे पास नॉर्मल आ गया। और अगर हम चाहते हैं कि हम ये जो मॉडल है ये अपनी पुरानी शेप में आ जाए, इसका एक तरीका ये है कि हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट किया उसको डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये इसको आप मूव करें, ये देखिए हमारा मॉडल हमारे पास बिल्कुल भी वैसी कंडीशन में आ गया पुराने वाले में। तो इसको अभी हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। और अगर हमने इस वॉल के ऊपर इसकी सिलेक्शन करनी है तो हम दोबारा टूल्स में जाते हैं, सेक्शन प्लेन में जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखें, अब ये वॉल है, इसके ऊपर हमने इसको कर दिया, इसने उसको कट कर दिया, ये देखें। और इसको भी हम वैसे ही मूव कर सकते हैं, ये देखें और अब हम इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये था सेक्शन प्लेन गूगल स्केचअप के अंदर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।